फ्रेंड्स, दिस इज सुमित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये वॉच लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं, वॉच लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं अपना जो भी स्टॉक्स है, और ये न्यू क्वार्टर रिजल्ट्स क्या है, ये क्या है, एनुअल रिपोर्ट्स क्या है, लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ हूँ। तो आप मेरे वीडियो हिस्ट्री में जाके आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे पार्ट वन। मैं आपको पार्ट टू में अभी ये बताने वाला हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है तो आपको क्या चेक करना है कंपनीज का, मतलब किस बेसिस पे आप कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आज कैसे चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस साइट पे यहाँ पे सर्च है, सर्च बार यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में यहाँ पे सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे देखिए चार्ट एनालिसिस, पीयर्स, क्वार्टर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियोस, इन्वेस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी है, एनुअल रिपोर्ट्स, क्रेडिट रेटिंग, कंपनीज ने इस कंपनी को कैसे रेट किया है, ये सब यहाँ पे मिल जाता है डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में अभी इसका फर्स्ट क्या देख सकते हैं, इसका मार्केट कैप कितना है देख सकते हैं, नेक्स्ट करंट प्राइस क्या चल रहा है देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑन डे टू डे बेसिस इसने हाई कितना लगाया है लेटेस्ट और लो कितना लगाया है लेटेस्ट, ये आप चेक कर सकते हैं। स्टॉक पी कितना है यहाँ पे आप चेक कर सकते, बुक वैल्यू कितना है देख सकते हो, डिविडेंड यील्ड कंपनी कितना दे रही है डिविडेंड ये चेक कर सकते हो, आरओसी कितना है इसका, आरओई कितना है इसका यहाँ पे चेक कर सकते हो, फेस वैल्यू कितना है कंपनी का ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट आप यहाँ पे कंपनी का बिजनेस क्या है, अबाउट कंपनी के अबाउट क्या है, तो कंपनी के बारे में यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सब कुछ। और यहाँ पे नीचे आप जाके देख भी सकते हो कि और भी ज़्यादा दिया हुआ है कंपनीज के बारे में, कंपनी के बारे में। और नेक्स्ट यहाँ पे की पॉइंट्स दिए हुए, रीड मोर करने के बाद आपको मिल जाता है कि कंपनी का की पॉइंट्स क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे इनका बिजनेस है। देखिए अभी के मैंने जो एग्जांपल लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, इनका रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग बिजनेस में है 50% रेवेन्यू है इनका, रिटेल बिजनेस में है 21% ऑफ रेवेन्यू है, डिजिटल सर्विस बिजनेस में है जियो 9% ऑफ रेवेन्यू है, पेट्रोकेमिकल बिजनेस में है इनका, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन बिजनेस में 0.5% ऑफ रेवेन्यू में है इनका, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट 1% ऑफ रेवेन्यू है। तो ये कंपनी के बारे में और कंपनी का जो भी बिजनेस ये लोग करते हैं यहाँ पे आपको की पॉइंट्स में मिल जाता है, इन शॉर्ट सब कुछ मिलता है। सॉरी, नेक्स्ट आपको चार्ट, चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चार्ट रीड करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्राइस, ये है प्राइस, ओके प्राइस देखिए ऊपर गया तो कितना यहाँ पे देख सकते, रीड कर सकते हो, ये सब प्राइस है यहाँ पे, ये सब प्राइस है और ये डेट्स मंथली बेसिस, ओके ईयरली आपको सिलेक्ट करना है और मंथली बेसिस, ओके नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये इसको बोलते हैं 50 डे मूविंग एवरेज और इसको बोलते हैं 20 डे मूविंग एवरेज और इसको वॉल्यूम्स, यहाँ पे आप वॉल्यूम्स चेक कर सकते हो, ये वॉल्यूम्स है सब कुछ, ये बार्स जो भी आए हैं यहाँ पे और ये वॉल्यूम्स है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पे कैसे गेन कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पे ये 200 डे मूविंग एवरेज निकाल देना है, 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ओके सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है प्राइस में, प्राइस मोमेंटम, प्राइस में यहाँ पे जब भी 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे आ जाता है तो SIP में आप इन्वेस्ट करिए इस कंपनी में,
शॉर्ट टर्म में आराम से आपको थोड़ा बहुत रिटर्न्स यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन जब भी प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज टच करता है, SIP में आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आराम से आपको 6 to 7% और 10% रिटर्न आपको आराम से मिल जाता है। ये देखिए, अगर इस रेंज में आप इन्वेस्ट करते हो SIP में, तो आप देखिए ऑन ईयरली आराम से आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए अप्रैल 2022 के बाद मिला है, फेब में आप आराम, ये देखिए फेब में आप आराम से इन्वेस्ट SIP में करते हो और अप्रैल में आराम से आपको मिल जाता है। ओके, ये था शॉर्ट में आपको बताने के लिए शॉर्ट टर्म में आप कैसे गेन कर सकते हो, ये एक स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट आपको आता है ये सिलेक्ट करना है 200 डे मूविंग एवरेज, और ये डी सिलेक्ट करना है, ये नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ 200 डे मूविंग एवरेज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी स्टॉक नियर बाय 200 डे मूविंग एवरेज आता है तो आप यहाँ पे भी SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो, और जब भी 200 डे मूविंग टच होता है तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी रैली आती है स्टॉक। यही एक स्टॉक नहीं है, बाकी सब स्टॉक में भी आप चेक कर सकते हो। ये देखिए आराम से आपको कितना अच्छा परसेंट रिटर्न मिल जाता है, ये तो मोर देन लगता है 28% 30% रिटर्न मिल गया। यहाँ पे मोर देन आपको 10 to 12% रिटर्न आपको मिल जाएगा। यार ये रेंज में आप SIP में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये देखिए आराम से आपको यहाँ पे मिल जाता है। जब भी 200 मूविंग एवरेज टच करता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसमें। ओके, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको लेके जाना है तो नेक्स्ट हमने देखना है कंपनी का एनालिसिस। कंपनी इस साइट में आपको ये भी मिल जाता है, यहाँ पे प्रोस एंड कॉन्स कंपनी का जो भी है आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ये प्रोस है मतलब अच्छा रिजल्ट आने वाला। ये कॉन्स में ये देखिए कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.61% ऑफ लास्ट 3 इयर्स, ये मामूली है, ये कॉन्स कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो भी ट्रेडिंग करना चाहता है आराम से, जिसको भी पता है, जैसे कि आपको चार्ट में मैंने बताया ये 200 डे मूविंग एवरेज के सिलेक्ट करके कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये स्मॉल थिंग्स आपको जब भी पता रहेगा तब आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ब्लाइंडली कोई भी प्राइस में, जब भी मतलब कोई भी प्राइस, मतलब भाव भगवान है बोलते हैं। अगर यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर दिए तो देखिए यहाँ पे इतना आने के बाद यहाँ पे फिर से यही टच किया, आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा? नहीं मिलेगा, ज्यादातर नहीं मिलेगा, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए मतलब अराउंड 10 to 20 इयर्स के बाद आपको मिलेगा। तो आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। मैं ऐसे करता हूँ, जब भी 200 डे मूविंग एवरेज टच होता है मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे अराउंड जब भी मेरे को अराउंड 20 to 25% रिटर्न मिल जाता है मैं बेच देता हूँ। बेच वाइस बेच मतलब पूरा बेच नहीं देता हूँ, जो भी प्रॉफिट्स है मेरे होल्डिंग्स में रख देता हूँ और जो भी मेरे इन्वेस्टमेंट है मैं निकाल देता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं SIP की जरूरत, जब भी 200 डे मूविंग एवरेज टच होता है फिर से इन्वेस्ट करता हूँ, फिर से वैसे ही सेम साइकिल में रिपीट करते जाता हूँ। तो ये वो था एनालिसिस के बारे में। नेक्स्ट हमारा पीयर्स, पीयर्स सेक्शन ये है कि ये देखिए यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया हुआ है। ये पीयर्स मतलब क्या है? ये IOCL है, BPCL, HPCL, MRPL, CPCL, ये कंपनीज जो भी अभी है यहाँ पे इनके साथ रिलायंस को दिया हुआ, यहाँ आपने देखा हुआ है ऊपर कि रिलायंस का की पॉइंट्स में इनका बिजनेस किस सेक्शन में है। पेट्रोकेमिकल बिजनेस में है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन बिजनेस में भी है। सो इसीलिए इस कंपनी को यहाँ पे पीयर्स में दिया हुआ है।
तो ये पीयर कंपैरिजन। नेक्स्ट आता है पीयर्स के बाद क्वार्टर्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी का दिया हुआ है इधर इंडस्ट्रीज। इस क्वार्टर में ये देखिए रिलायंस में सेल्स कितना हुआ है, 2,07,375। लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में सेल्स बढ़ा हुआ है, मतलब आपने देखना है कि लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में सेल्स को क्या हुआ है, बढ़ा है कि नहीं वो देखना। नेक्स्ट आपने देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ है, चेक करना है, वो भी बढ़ा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव। नेक्स्ट आपने देखना है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ है, लास्ट टाइम 25,200, ये घटा हुआ है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना है टैक्स के बाद, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स अप्लाई होने के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, ये देखिए ये तो लास्ट टाइम से अभी घटा हुआ है। तो ईपीएस भी उस बिकॉज नेट प्रॉफिट घटा है लास्ट टाइम से, सो ईपीएस भी घटेगा। तो अभी स्टॉक नेगेटिव मूवमेंट करना चालू कर सकते हैं, नीचे जा सकते हैं थोड़ा बहुत, बिकॉज ऑफ कंपनी नेट प्रॉफिट। ये सेल्स बढ़ गया है लेकिन नेट प्रॉफिट कम हुआ है, क्यों नेट प्रॉफिट कम हुआ है यहाँ पे ये सब आपने देखना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, अदर इनकम्स कितने हैं, इंटरेस्ट कितना है लिए डाले है, डेप्रिसिएशन कितना हुआ, वो सब आपने चेक करना है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपने देखना है सेल्स, सेम थिंग सेल्स चेक करना है, सेल्स इंक्रीज हुआ है कि नहीं, इंक्रीज हुआ। एक्सपेंसेस ये मामूली, सेल्स इतना हुआ है तो एक्सपेंस इतने ही लगेंगे, मतलब यहाँ पे इस एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर कॉस्ट, सभी इंक्लूड होके ये सब निकाल के आपको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया जाता है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है यहाँ पे दिखा हुआ है। नेक्स्ट ये सब सेम यहाँ पे क्वार्टर्स में जो भी दिया रहता है सेम है, बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने चेक कर। ओके, ये इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ, नेट प्रॉफिट ईपीएस इंक्रीज हुआ। ये कब का है, मार्च 2022, ये मार्च 2021 से मार्च 2022 में इंक्रीज हुआ, मतलब सेल्स अभी दोनों में क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी और प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेल्स इंक्रीज है, सेल्स अच्छा है कंपनी का। तो यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट इसमें तो इंक्रीज हुआ है, तो अच्छी है कंपनी। ओके, नेक्स्ट आप किन बेसिस पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये बैलेंस शीट तय करता है। बैलेंस शीट में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है, मेन शेयर कैपिटल बढ़ा है, देखिए इन क्रोर्स है 2,981 से 6,765 करोर तक शेयर कैपिटल बढ़ा है। शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं है, मतलब जब भी जो भी अभी ये देखिए यहाँ पे ये जो है CMP, ये जब भी बढ़ता है मार्केट कैप बढ़ता है क्योंकि पर शेयर वैल्यू बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट बैलेंस शीट में क्या क्या चेक करना है आपको दिखाता हूँ। बैलेंस शीट में ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल, मेन ये है रिजर्व्स और बोरोइंग्स। ये रिजर्व्स और बोरोइंग्स में आपने देखना है कि रिजर्व्स कितना है कंपनी, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं ऑन ईयरली बेसिस, वो चेक करना है। बोरोइंग्स जब भी ये डिक्रीज होना है। ओके, ये अभी इसमें ये आपको इंक्लूड नहीं करना है कि इस बोरोइंग्स डिक्रीज होना है, आपने ये कंपेयर करना है, ये दोनों कंपेयर करना है, कंपेयर करना है रिजर्व्स और बोरोइंग्स। ये देखिए 2,281,974 बोरोइंग्स है। ओके, कंपनी ने लोन नहीं तो कुछ भी लिया हुआ है। और रिजर्व कितना है कंपनी के पास, 7,72,720। अगर ये भी बेच देते हैं कंपनी 2,81,924 रिजर्व से निकाल देते हैं तो आराम से ये लोन पेमेंट कर सकती है कंपनी, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री ही है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है ये इसके बेसिस पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखना है इसके बेसिस पे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, यही सब देखना। कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है कि नहीं, ये देखिए कंपनी का इन्वेस्टमेंट ऑन ईयरली बेसिस में बढ़ रहा है, तो कंपनी के और भी सोर्सेस ऑफ इनकम भी है बहुत, तो कंपनी आराम से अपना लोन पेमेंट कर सकती है जो भी लोन है, और कंप्लीटली डेब्ट फ्री, और इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है, आपने देखा है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ ये सब की पॉइंट्स, ये आप चेक कर सकते हो, और इसके बेसिस में आप ये कर सकते हो जब भी। और नेक्स्ट आता है कैश फ्लो, कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहा है, कैश फ्लो पॉजिटिव रहा तो कंपनी में कैश फ्लो हो रहा है ये हमको पता चल सकता है। नेट ये देखिए 17,840 करोड़, यहाँ पे मतलब इतने करोड़ का कैश फ्लो हो रहा है कंपनी में, मतलब कंपनी के पास फंड बहुत है। नेक्स्ट आता है ये रेशियोस, रेशियोस में आपने देखना है डेप्टर डेज मेन थिंग, यहाँ पे डेप्टर डेज में ये डिक्रीज होना, जब ये देखिए लास्ट टाइम 15 था इस पर 12, क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है उसमें से जो भी प्रॉफिट है, जो भी मुनाफा हो रहा है वो कंपनी को तुरंत मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है, एज सून एज पॉसिबल उनको प्रॉफिट्स मिल रहा है। ओके, प्रॉफिट जब मिलेगा कंपनी को, प्रॉफिट इन हैंड मिल जाएगा तभी तो ये हमारा शेयर प्राइस बढ़ेगा ना, नहीं तो कहाँ बढ़ेगा, कंपनी को मिला ही नहीं प्रॉफिट तो बढ़ेगा कहाँ, तो ये आपने देखना। ओके, नेक्स्ट सबसे मेन थिंग है इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का देखना है होल्डिंग्स इसमें, ये सब इन्वेस्टर्स होल्डिंग। पहला है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमोटर्स, प्रमोटर्स के पास मोर देन 60 to 65% होल्डिंग नहीं रहना है अभी, अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स, गवर्नमेंट रूल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 47% स्टेक था, यहाँ से थोड़ा इंक्रीज हुआ है, और जब भी अभी कोई भी कंपनी में 75 to 85% स्टेक आपको मिलेगा, वहां पे आप थोड़ा कॉशियस होके इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि कोई तो एक प्रमोटर डिक्रीज करेगा अपना स्टेक, क्योंकि उन्होंने अराउंड 60 to 65% का स्टेक मेंटेन करना है प्रमोटर होल्डिंग्स में, तो कोई तो ये सेल करेगा बाद में वो शेयर प्राइस डिक्रीज होगा, और आपने हाई में परचेज किया रहता है तो आपको वो हाई पहुंचने तक वेट करना पड़ेगा, तो देख के परचेज करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आता है हमारा एफआई होल्डिंग्स, एफआई होल्डिंग्स में आप ये देखना है कि स्टेक इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, ये देखिए लास्ट क्वार्टर से, लास्ट दिसंबर 2021 से अभी स्टेक कम हुआ है एफआई का, आपको पता है एफआई भी सेल कर रही है, सेलिंग हो रहा है एफआई का, इसीलिए मार्केट में ये डाउनफॉल भी हो रहा है, ये तो यहाँ पे थोड़ा ही कंपनी ने एफआई ने ये किया स्टेक डिक्रीज किया है, मेरे को तो मामूली प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है। ओके, मतलब अगर ये पूरा बेच के चली जाती है तभी हमको थोड़ा रिस्की लग सकता है वो कंपनी, अगर क्यों ये बेच के जाएगी एफआई, कुछ तो कोई तो एक रीजन रहेगा, नहीं तो नहीं जाती है। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी उन्हीं पैरामीटर्स के हिसाब से करते हैं वो लोग, जब इंक्रीज करते हैं कंपनी में कुछ तो पॉजिटिव दिखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके पैरामीटर्स के हिसाब से, तो ये हमने देखना है कि ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, ये देखिए टीआईआई का इंक्रीज हुआ है, तो इन्हीं बेसिस पे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। नेक्स्ट आता है ये गवर्नमेंट का, ये तो नॉर्मल रहता है, पब्लिक का होल्डिंग से ही, जैसे कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स, देखिए यहाँ पे डिक्रीज हुआ रिटेल इन्वेस्टर्स का, ये अच्छी बात है, मतलब यहाँ पे इनका स्टेक इंक्रीज हो रहा है और हमारा डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये लोग बाय कर रहे हैं माल, हम लोग बेच रहे हैं बिकॉज ऑफ डाउनफॉल है। ओके, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है इस कंपनी में, ये तो नॉर्मल बात है, अभी रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहता है स्टॉक्स के बारे में, उनके बिजनेसेस के बारे में, जो
जो भी साइट में दिया जाता है वही हम लोग बिलीव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ये दोनों के हिसाब से मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अगर ये इंक्रीज हुआ है अच्छा है इनका मॉड्यूल, तो बिजनेस मॉड्यूल अच्छा है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो ये था मेरा जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कैसे स्टॉक सिलेक्ट करके उनमें एंटर करता हूँ, ये मेरा सिंपल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो इतना ही, और भी मैं कई नए वीडियोस लाऊंगा ऑन चार्ट के हिसाब से कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और इंडिकेटर्स के हिसाब से कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, वो सब मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, और प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड आल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू।